खाने के बोल दे बता दूंगी तो लोग फिर एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा, तो मैं प्लीज बताना चाहूंगी कि हमारे फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं, और इसमें जो आइटम सॉन्ग है वो बहुत प्यारा आइटम सॉन्ग है, छोटे बाबा जी ने म्यूजिक डायरेक्शन किया है, तो प्लीज वेट कीजिए मेरे गाने का और मैं आनंद जी के कहने पर नहीं बताऊंगी। मेरे साथ गिरीश जी थे और सर हैं मेरे साथ मनोज जी, और मैं आज पहली बार मिली हूँ थैंक्स टू दिस बोथ पीपल कि मुझे यहाँ पे चांस मिला है, और हमारे जो कोरियोग्राफर हैं वो संजय मास्टर संजय कोरवे सर थे, और बहुत कम टाइम में एंड मौके पे गाना आया हम लोगों ने, बहुत कम टाइम में विद इन 3 आवर्स हम लोगों ने ये गाना कंप्लीट किया है। हम किसी से कम नहीं एक एक्शन मूवी है, हालांकि इसमें इमोशनल भी कुछ सीन्स हैं, लेकिन जैसे लग रहा है ना कि देखने से ही लग रहा है कि हीरो पक्ष और विलेन पक्ष हम किसी से कम नहीं इसमें दिखाया है। आपका क्या किरदार है? मैं इसमें एक विधायक के किरदार निभा रहा हूँ। जी जी एकदम निगेटिव है, एकदम निगेटिव है। इसमें हमारे साथ हैं हीरो में हैं आपको प्रमोद प्रेमी जी हैं, हीरोइन हैं नवोदित हीरोइन हमने एक इंट्रोड्यूस किया है ज्योति जी को, और मधु जी हीरोइन हैं, इसके अलावा मनोज सिंह जी हैं, उमेश सिंह जी हैं, बालेश्वर हैं, हरीश हैं, अभी ग्लोरी जी की एंट्री हो गई है, तो एक स्टार कास्ट है, एक लंबा स्टार कास्ट। नंदू जी इसके डायरेक्टर हैं, मामेंद्र जी इसके प्रोड्यूसर हैं, काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं, लेखक भी वही हैं, छोटे बाबा का म्यूज़िक है, अरुण जी जिनकी दिया बुता के पिया वो हिट हुई थी वो इसके राइटर हैं, अमित सूर्यवंशी जी हैं, इस ढंग से काफ़ी ताना बाना बुना गया है इस फिल्म में। मनोज आप किस पक्ष में हैं, हीरो वाले पार्टी में हो या फिर खलनायक में? देखिए सबसे पहले तो सभी श्रोता भाई को मनोज कुमार की तरफ से प्रणाम है, और सभी लोगों को एक मैसेज ज़रूर देखना चाहूँगा जब देना चाहूँगा कि जब पिक्चर का टाइटल ही है कि हम किस से कम नहीं, तो ऑफिस की बात है कि अगर निगेटिव किरदार निभा रहे हैं तो इसमें दोनों पक्ष में एकदम बिल्कुल हम किस से कम नहीं हैं, विलेन का अलग अपना पार्ट्स है, हीरो का अपना पार्ट्स है, एक निगेटिव पॉजिटिव का एक जो धमाल है, तो इसमें बहुत बेहतरीन मूवी है और एक्शन मूवी है। अगर ज़्यादा डिटेल्स में बताएं तो वो चीज़ें पर्दे तक जाए तो बहुत बेहतरीन है, क्यूरियोसिटी होना चाहिए ऑडियंस को कि ये देखें, बहुत शानदार मूवी है और काफ़ी मसाला है, और मुझे लगता है कि भोजपुरी में जिस तरीके का इसमें एक्शन है इस तरीके का मतलब लाजवाब, बहुत बेहतरीन। सवाल ये है कि फिल्म में प्रमोद प्रेमी हीरो हैं? यस यस प्रमोद प्रेमी हीरो हैं। या भले ही फिल्म रिलीज हुई बाकी कई फिल्म, लेकिन आपकी जो हीरोइन है उनकी पहली फिल्म है, आप मार्केट से कोई भी हीरोइन ले सकते थे, खासतौर पे हीरोइन जो है वो नई हीरोइन क्यों रखी थी? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हर इंसान हर चीज़ के पीछे एक सोर्स से फोर्स होता है, डेन टैलेंट, अगर इंसान अभी बहुत अच्छी बात ग्लोरी जी ने बोला, इनका परफॉर्म हमने देखा इतना बेहतरीन परफॉर्म करती हैं, क्योंकि जब ये परफॉर्म करती है तो इनकी पूरी बॉडी में से सारी वाइब्रेशन ऐसी आती है कि जैसे एकदम नेचुरल दे रही, परफेक्ट, मतलब कहीं पर भी कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं ज्योति की बात करूँ तो ज्योति के अंदर में कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखा, क्योंकि ज्योति एक बहुत बेहतरीन कलाकार है, बहुत अच्छी कलाकार है, क्योंकि उसकी कला की अगर हम बात करें, कहने के लिए बेशक मेरे ख्याल से ये भोजपुरी इसकी पहली एंट्री थी और इसका सारा योगदान सारा सहयोग सारी चीज़ें गिरीश भाई को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही लेकर के ज्योति जी को लेकर गए थे, और ज्योति ने बहुत अच्छा काम किया है। बात नया पुराना का नहीं है, मेन चीज़ होता है कि जब आदमी स्टेज पे परफॉर्म करता है या ऑडियंस एक नेचुरल चीज़ें देखती है, और नेचुरल में मुझे ज्योति की बहुत अच्छी परफॉर्म लगी और बहुत अच्छा काम किया उसने। ज्योति का चुनाव कैसे किया आपने? हम राजस्थानी मूवी करने गए थे एज ए मेन विलेन मंडावा में, जिस लोकेशन पर कभी जब वी मेट बजरंगी भाईजान पीके की शूटिंग हुई थी, तो मुझे एक राजस्थानी फिल्म करने का भी भोजपुरी सिनेमा के विलन होने के नाते गौरव प्राप्त हुआ, तो हम वहाँ गए थे तो हमारी मुलाकात ज्योति से हुई, तो हम लोग काफ़ी घुल मिल गए, एक को आर्टिस्ट होने की वजह से काफ़ी घुल मिल गए, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की, उन्होंने लोगों ने मेरा परिचय कराया कि 60-70 मूवी अमिताभ बच्चन जी के साथ, गिरीश जी ने, अजय, गंगा देवी, सब बड़ी बड़ी, रवि जी के साथ, नगमा जी के साथ किए हैं, तो काफ़ी हमने
यही सोचा कि हम नए को चांस नहीं देंगे तो फिर क्या हूँ, वो भी तो कोई हीरो या हम विलेन, एक दिन हम भी तो नए थे, तो नए लोग को भी आना चाहिए। एक समय होगा ना कि हमसे वो जगह खाली होगा, तो पीढ़ी तो बढ़नी चाहिए ना। तो हमने इसलिए इसमें ज्योति जी का इसीलिए चुनाव किया कि हम नए हीरोइन के साथ ही काम करेंगे, और खड़ी उतरी इसमें दो मत नहीं। ग्लोरी का डांस स्टेप्स के अगर मैं बात करूं, आप तो सर शूट करते ही रहते हो आइटम सॉन्ग्स के, इसकी आपकी पहचान है, अगर ये जब ऑडियंस देखेगी तो क्या नयापन मिलेगा बतौर डांसर, क्या बता सकती हैं? देखिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, जैसे आर्टिस्ट हर कैरेक्टर में एक अलग दिखता है, अपना अलग अंदाज दिखाता है, सेम चीज़ें सब लोग मुझे बोलते हैं ग्लोरी आइटम सॉन्ग में तुम क्या नया दिखाओगे। हर गाने का फील अलग होता है, हर गाने का स्टेप अलग होता है, मूड अलग होता है, भले ही मैं इंसान सेम हो लेकिन मेरा लुक, मेरे कपड़े, मेरे एक्सप्रेशन हर जगह अलग अलग है। जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सेंशुअलिटी दिखानी चाहिए वहाँ सेंशुअल दिखाती हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत डिसेंसी दिखानी चाहिए डिसेंसी दिखाती हूँ, क्यूटनेस हर चीज़ का एक मिश्रण मैं देती हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे मुझे यहाँ पे बहुत सारे, इसमें ज़्यादातर मैंने क्यूटनेस दिखाया क्योंकि वल्गैरिटी मेरे लिस्ट में है ही नहीं। और दूसरा चीज़ मैं गिरीश सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि थैंक यू आपने इंडस्ट्री में ये स्टेप लिया कि आपने हीरोइन न्यू रखा, बिकॉज सब लोग जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में मोस्टली हीरो लोग ही डिसाइड करते हैं। मैंने इसके लिए अब आगे जब बात निकल गई तो ये भी बता दूँ, मैंने हीरो से झगड़ा भी किया है और मैं वो थोड़ा सा हो जाता है आपसी, हम लोगों का विचारों का मतलब हो गया जिसकी वजह से, लेकिन फिल्म अंततः बनी और नई हीरोइन को हमने, क्योंकि एक दिन आप सोचिए ग्लोरी जी आप भी तो नहीं थी, तो कोई ना कोई तो आएगा ना। देखिए उससे एक वैरायटी मिलती है। देखिए अपने इंडस्ट्री में सिर्फ हीरोइन की बात नहीं है, आइटम गर्ल की भी बात बताती हूँ। जब मैं आई थी बहुत से हीरो से भी निकाला, बिकॉज यहाँ पे हर इंसान अपना रिलेशन बना के रखता है और सबको लगता है अपने रिलेशन से ही उनको आगे बढ़ता है, यहाँ पे टैलेंट बाद में देखते हैं, और जब इंसान टैलेंट के थ्रू से जाता है शायद इसी के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री आज चेंज हो रही है, इसी के लिए आज सबका मोनोपोली आज ख़त्म हो रहा है कि कोई अपने हिसाब से हीरोइन, अपने हिसाब से आइटम डांसर, जिसको जो काम दिया वो किया करें, और जिसको हम लोग के जैसे लोगों के पेट पर लात ना मारें, बस सीधी सी बात। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर जो बच्चे करना चाहते हैं और उनके अंदर में वो आग जुनून है तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। गुलरी जी ने बिल्कुल अच्छी बात बताई, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपना अप्रोच लेके जा रहा, अपना जो है ग्रुप लेके जा रहा, चाहे वो आइटम गर्ल्स हो या हीरोइन हो, हर कोई चाहता है। गिरीश भाई ने बोलना चाहा लेकिन मैंने इशारा किया कि नहीं अभी ऑडियो के सामने नाम नहीं लेना चाहेंगे, बट इन्होंने बगावत तो किया था, चाहे वो हीरो है चाहे हीरोइन को लेकर के। एक्चुअली क्या है कि देखिए अगर गुलरी जी इस चीज़ को, मैंने तो देखा गुलरी जी ने जो परफॉर्म दिया, मैं तो ऐसा परफॉर्म मतलब इतना नेचुरल तो मैंने देखा नहीं, देखते ही आ रहे हैं, बट ये चीज़ें मौका मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर मुझे मालूम है कि हीरोइन मेरी जानने वाली हैं तो सबसे पहले अगर मैं साइन होता तो सबसे पहले हीरोइन को अप्रोच करते हैं, अगर ये मुझे जानती हैं तो मैं कहूँगा नहीं आइटम सॉन्ग में इन्हें लीजिए। लेकिन जो आदमी कर रहा है उसको हर किसी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस भी देख देख करके वो पक गई, वो भी चाहती कि नई चीज़ें कुछ आए, नई चीज़ें आए, नई चीज़ें मुझे मिले देखने के लिए। लेकिन ये चीज़ें लोग नहीं समझते, वही ग्रुप वही चेहरा वही सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस भी चाहती है कि हमें नई चीज़ें मिले और अच्छा एंटरटेनमेंट हमें मिले। गिरीश जी फिल्म पूरी हुई है, शूट चल रही है, या क्या स्टेटस है फिलहाल फिल्म का और कब तक आ पाएगी? नहीं, ये फिल्म पूरी हो गई है, आज हम लोग करीब आज 17 दिन के बाद आज हम ये हमारे आइटम सॉन्ग से ही हमारा पैकअप हुआ है, जिसमें हमारी ग्लोरी जी आई थी, तो आज फिल्म द एंड हो गई है। ये फिल्म करीब नवंबर में आ जाएगी, उसके बाद हम लोग फिर फरवरी में दूसरी फिल्म के लिए जाएंगे। अच्छा आप लोगों ने कभी बताया नहीं कि आप लोग खलनायक पार्टी के खेसारी लाल हो? हम नहीं, शौक है, कुछ तो असली है ही इसमें, असली तो दिख रहा है, कुछ तो नकली भी है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब खेसारी भाई नकली पहनते हैं क्या? नहीं, हम वो नहीं कर रहे हैं कि हम ये तो हम, लेकिन कुछ पास है वो पहनेंगे, जिनके पास नहीं है वो नहीं पहनेंगे, सीधी सी बात है। मेरे को सोना पहनने का शौक है, मैं मानता हूँ। आपको भी सोना पसंद है? कौन सा सोना? गोल्ड गोल्ड, कौन सा सोना? नहीं गोल्ड, मुझे खा पी के सोना बहुत पसंद है, बाकी सोना मेरे नसीब में नहीं है। अरे सवाल मेरा वही था, नहीं मैं कहना चाहता, देखिए ये रहा मैं तो काफ़ी चीज़ें उतार दिया हूँ। एक्चुअली गोल्ड क्या है ना, गोल्ड एक ऐसा चीज़ है कि कई लोग मुझे नहीं मालूम कि जन्म कुंडली को देखते हैं नहीं, राशिफल को समझते हैं कि नहीं, राशिफल जो राशिफल बोलते हैं या कुंडली के बारे में, लेकिन मेरे कुंडली में गोल्ड बहुत लिखा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली कि गोल्ड हम जितना पहनते उतना सुकून मिलता है, अगर उतार देते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला हो जाता हूँ, क्योंकि गोल्ड जितना मैं पहनूंगा उतना शांति होगा। तो मुझे नहीं मालूम कि आपने खेसारी भाई के लिए क्या बोला कि मुझसे तुलना किया, मैं तो कहता हूँ कि अच्छे लगते हैं गोल्ड पहनते हैं तो पहनना चाहिए, मैं तो कहूँगा और दो तीन
केजी डालें और अच्छी रहें, क्योंकि उनका कुछ दिखता ही नहीं गोल्ड के, मतलब सारी गोल्ड ही गोल्ड दिखती है। तो गोल्ड जो है कि कुछ लोग शौक से पहनते हैं और कुछ लोग, कुछ चीज़ें होती है कि शांति के लिए। बप्पी दादा को देखो, वो गोल्ड के बिना रह ही नहीं सकते हैं। मैं शिरडी जाता था तो जो शिरडी बाबा जी थे उनके पास क्या मैं देखता था कि जब जिस बेडरूम में सोते थे इधर गोल्ड पड़े होते थे ऐसे, उनको गोल्ड दिखना चाहिए, नोट दिखना चाहिए, उनको सुकून मिलता है। क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि बैंक बैलेंस भरे होते हैं ना तो उनको सुकून मिलता है। तो गोल्ड दिखाने के लिए नहीं होता, गोल्ड पहनने के लिए सुकून के मिलता है, शांति के लिए मिलता है। मैं आपको बता दूं, जैसे कुंडली की बात की है, वैसे हमारे वास्तु देवता या हमारे जो आस पड़ोस का ऑरा होता है ना, जो बोलते हैं ना आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव होगा। आप जितना सोना देखेंगे, सोते जागते उठते सोना देखेंगे तो आपका सोना बढ़ता ही जाएगा। और पैसा नहीं, ये फैक्ट है। इनफैक्ट फेंगशुई के हिसाब से अगर कोई कोई ब्लैंक चेक भी बना के उसमें थ्रू यूनिवर्स करके जितने पैसा जीरो बढ़ाते हैं ना, उनका उस हिसाब से बैंक बैलेंस आगे जाता है। ये फेंगशुई है। देखिए इस बात पे एक बात जरूर मैं कहना, गोलो जी ने बिल्कुल अच्छा बोला था, ये पिक्चर का डायलॉग है क्या आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जीत आपकी में मैं पढ़ा था कि गोविंदा जी ने बोल भी दिया कि देखिए गरीब पैदा होना, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, लेकिन गरीब मर जाना बहुत बड़ा गुनाह है। यानी कि हम जैसा सोचते वैसा होता है। आज सोच कीजिए कि अगर हम छोटे थे या बच्चे थे या बड़े थे, जैसे जैसे कॉलेज में स्कूल में जाते थे, अगर किसी लड़की को देखते थे तो उसको सुबह शाम देखते रहते, आपने भी अपने टाइम में जरूर देखा। मतलब लड़कियाँ नहीं मिली। एक्चुअली हम जो सोचते हैं कि इसे हासिल करना, पूरा करना, यानी कि अपना लक्ष्य और अपना एम, बिल्कुल उसे मरने मत दीजिए और अपने मन में रखिए। कोई किसी को स्टार नहीं बनाता है, कोई किसी को स्टार नहीं बनाता। अगर आप खुद अपने आप को सोचते हैं कि स्टार है तो डेफिनेटली बनेंगे। यानी कि आपके अंदर में जुनून आग होना चाहिए। कोई किसी को नहीं बनाता है सर, कोई किसी को नहीं बनाता है। ग्लोरी जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि कौन अपना है साला, जहाँ हर मौके पे मिलता है, हर कोई चाहता है कि यहाँ पे हम ऐसे करें ऐसे करें बोलने के लिए। तो आपने वो गाना जरूर सुना होगा कि दुनिया रे दुनिया, वेरी गुड दुनिया वाले वेलकम करे। गाना तो सबने सुन करके एंजॉय किया, लेकिन दुनिया रे दुनिया बहुत अच्छा है, दुनिया वाले वेरी बैड, यानी कि दुनिया वाले बहुत खराब है। गोरा गोरा चेहरा है लेकिन अंदर से दिल काला है। एक्चुअली क्या है कि अगर सामने वाला सामने वालों को बेवकूफ़ समझता है तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है कि सामने वालों को बेवकूफ़ समझ रहा है, क्योंकि सामने वालों को सब पता होता है कि मेरे साथ क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप शांतिपूर्वक से बैठा, आज नहीं कल नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कर्मा का डिपेंड क्या होता है कि अगर हम अच्छे काम करते हैं और हमें अच्छा मौका मिलता है, अगर हमें मिलेगा तो डेफिनेटली हम लोग जो है कि उस पर खड़े उतरेंगे। अगर मिलेगा ही नहीं और वहाँ पे शोर सिफारिश ही चलेगा तो हम लोग क्या करेंगे। मौका तो मिलना चाहिए। सॉरी नहीं नहीं, हम बूढ़े के ऊपर नहीं मार रहे हैं, मतलब मेरे प्यारे भाई है। अच्छा सुनिए, मैं गिरीश बाबा को बहुत प्यार से बूढ़ा भाई बोलता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत छेड़ता हूँ, पब्लिकली छेड़ता हूँ, लेकिन इनको दिल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। रियली मेरे बहुत प्रिय ब्रदर है, बड़े भाई है, मेरे गॉड भाई है, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन इनके लिए एक जरूर मैं मैसेज देना चाहूँगा ऑडियंस को कि जिंदगी सभी अपने लिए जीते हैं, जिंदगी सभी अपने लिए जीते हैं, एक बार किसी और के लिए जी के देखे तब देखे जिंदगी का मजा क्या। वो मेरे भाई में गुण है क्योंकि हमें और इनका चेहरा उतरा हुआ, लेकिन बहुत आपसे प्यार करते हैं, जब भी मिले तो जरूर इनको जो है इनके प्यार का इजहार करिएगा। ये खलनायक की लव स्टोरी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है। प्यार नहीं कर सकते, नहीं कर सकता, थोड़ा अलग तरीके से करता है। आप कैसा, सब तो नेचुरल है। खलनायक के अंदर सुनिए ना, मैं आपको बताऊं, जितने हीरो हैं वो खलनायक जैसे प्यार करते हैं और जितने खलनायक हैं वो एक्चुअली रियल लाइफ में हीरो जैसे प्यार करते हैं। वो जितने खलनायक अब जैसे मुझे देख लीजिए, मैं भले कितनी भी आइटम डांसिंग करूं, जितनी भी बोल रहा हूं, लेकिन मैं एक्चुअली जो नेचुरल हूं वो हूं। बहुत प्यारी, बहुत। और कौन इधर वैम बन के चले जाते पता ही नहीं चलता। हाँ बिल्कुल, ये आपने नहीं अभी ग्लोरी से हम एक्टिंग करवाए हैं। अभी ग्लोरी से हम एक्टिंग करवाए हैं। वाओ, सुन लिया। अभी ग्लोरी जी से हमारी बात हो रही थी तो ग्लोरी जी ने बोला कि हम गिरीश जी एक्टिंग भी करेंगे, तो परफॉर्मर तो काफ़ी अच्छी हैं, सी इज ए वेरी गुड डांसर, वेरी गुड परफॉर्मर, तो आगे हम एक्टिंग इनके साथ जरूर करेंगे, मैं वादा कर रहा हूँ आपके कैमरे। अच्छा एक चीज हमारे अंदर है जिसको मैं कह देता हूँ, करवा लेता हूँ, तो मैं जिद्दी आदमी हूँ। ये हमारे भोजपुरी, हम नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम हीरो रिप्लेस किए, हमने हीरोइन को ही रखा, क्योंकि देखिए कोई भी नया नहीं आएगा कैसे कुछ होगा। हम टैलेंटेड उठा कर लाया, जितने लोग थे उन्होंने बोला कि नहीं ये उठाया आदमी वहाँ से, आज दिखेगा आप लोगों के सामने पर्दे पे। देखिए मैं ये मानती हूँ, नए के साथ साथ हर आर्टिस्ट को ना अपने में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए।
जैसे कि मैं आइटम डांसर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आइटम सॉन्ग में ही स्टिक रहूँ, मैं खुद में भी कुछ इम्प्रूवमेंट करूँ और मैं थोड़ा आगे सोचूँ, सो दैट कि ये जो पोजीशन है कोई और ले सके। मैं पहले, सबको पता है, आपने ही इंटरव्यू लिया था, बैक डांसिंग करती थी, असिस्टेंट हुई, आइटम डांसर हुई, ये नहीं कि मुझे शौक बड़े होते गए या पैसा ज़्यादा मिलता गया, ये हुआ कि मैं मेहनती और होते गई। आज जब मुझे लगा कि आइटम सॉन्ग के लिए मैं सही जगह पे पहुंच गई हूँ, लोग मुझे आज जानने लगे हैं, लोगों से मिलने लगी हूँ, आज मैं खुद सामने से अप्रोच करती हूँ कि मुझे एक्टिंग करना है और लोग आज मुझे एक्टिंग दे रहे हैं, क्या पता बुढ़ापे तक मैं अम्मा का भी रोल करने लगूँ। नहीं नहीं, अभी 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 हीरोइन लायक है, जो भी है मुझे काम करना है, मुझे स्टिक नहीं रहना आइटम सॉन्ग में, मुझे सिर्फ काम करना है बस। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा दर्शकों को कि गांधी बाबा ने एक बात बोली थी कि व्हाट इज पंडित नेहरू लाइक टू चिल्ड्रन अबाउट दिस ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड एनिमल्स एंड स्टार्स माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स एंड मॉन स्क्वायरल। अगर पंडित नेहरू बच्चों से बातचीत करना पसंद करते थे तो बच्चे नहीं रहे। गुलोरी जी ने अच्छी बात बोली, हम लोग काम करना चाहते हैं, आप सबका प्यार आशीर्वाद चाहिए, अगर आप लोग हिम्मत देंगे, सहयोग देंगे तो डेफिनेटली हम लोग कुछ करेंगे, क्योंकि ये तो राजनीति का दुनिया है और हर जगह राजनीति है और शायद हम जैसा सोचते हैं वैसा सब कुछ होता नहीं, जो देखता है वैसा होता नहीं है, क्योंकि देखने में कुछ और होता है और अंदर से कुछ होता है। आज गुलोरी जी से मिल करके बहुत सी चीज़ें, बड़ा अच्छा लगा इनसे मिल करके कि देखिए मैं काम की भूखी हूँ और मेरे अंदर में आग है काम करने के लिए, मैं बेशक आइटम सॉन्ग करती हूँ, दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं, लेकिन जो इनके अंदर मैंने एक देखा, मुझे तो मतलब ये नहीं कि ये सामने बैठी थी इनकी तारीफ कर रहा हूँ, बट इस तरीके का भावना नहीं देखा। आजकल के लोगों को देखते हैं कि काम के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें क्या नहीं है, बट ये है कि आज भी अच्छे लोग हैं और अच्छा माहौल है, अच्छा ग्रुप है और अच्छे तरीके से और बहुत बड़ा होगा। और भोजपुरी समाज को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमें गर्व है कि हम लोग भोजपुरिया समाज से हैं और पूर्वांचली हैं, क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करूँ तो जितनी आबादी अपने भोजपुरी भाई लोग की है उस समय किसी भी देश में ऐसा कोई कंट्री नहीं है कि हमने नहीं घूमा नहीं देखा, लेकिन जहाँ भी जाते अगर प्यार से हम अपने मातृभाषा अगर हम बोलते हैं तो वहाँ दो भाई लोग हमें मिलते हैं, चाहे किसी कंट्री में चले जाइए। मुझे गर्व होता है कि हम भोजपुरी से हैं और भोजपुरिया समाज से हैं। ये नई हीरोइन को आने दें, प्रोड्यूसर को बाधा ना दें, नए लोगों को आने दें। मैं तो बोल रहा हूँ नए हीरो को आने दो भैया। नए हीरो तो आ ही रहे हैं, हीरो तो आ रहे हैं, नए नए हीरो भी आ करके हीरो। अरे किसी हीरो को मैसेज मत दीजिए, मैं मैसेज देना चाहता हूँ। आजकल का जो जनरेशन आ रहा और जो मोदी जी ने बोला है कि अभी डिजिटल का जमाना आ रहा है, जो नेट का दुनिया, अगर हमारा देश और हमारे देश के अंदर में अगर ये नेट और इंटरनेट का जमाना हर देश में होता तो मैं कहता हूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ये होता, क्योंकि आज का जो जनरेशन आ रहा वो लड़के पसंद कर रहे हैं, नई चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, ऐसा चीज़ नहीं है कोई चीज़ चलेगी। उनको भी चाहिए कि एक्शन हीरो आए, उसके अंदर में सारी चीज़ें हो, फिटनेस हो, सारी चीज़ हो, तो जब वो चांस मिलेगा डेफिनेटली ऑडियंस पसंद करेगी, मौका तो मिले। चलिए।